साहब के सामने बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये सीधी तस्वीर है आपको जिस कक्ष का विमोचन या उद्घाटन किया गया है वहाँ पर बच्चों द्वारा सीएम साहब को अपना प्रेजेंटेशन देते हुए और काफ़ी प्रसन्नचित मुद्रा में सीएम साहब बैठे हुए हैं और पूरे तरीके से गेम का आनंद उठा रहे हैं। मान लीजिए ताइक्वांडो है, कराटे है, कुश्ती है, जूडो है, उसके बाद वुशु है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, इसमें अलग अलग खेल इसमें हो सकते हैं, अभ्यास हो सकते हैं और समय समय पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हो सकता है। और ये झांसी का और ख़ास तौर पर बुंदेलखंड का सबसे बड़ा हाल है। इसके बन जाने से यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, बुंदेलखंड के जो अगल बगल के जो खिलाड़ी हैं, वो बहुत लाभान्वित होंगे। क्या लगता है आपको, बुंदेलखंड में जैसे बहुत ज़्यादा ऐसी प्रतिभा है जो आगे तक नहीं जाती, इस हॉल के खुलने से कितना उनको इससे लाभ मिलेगा और वो कितने आगे तक जा सकते हैं? देखिए, किसी भी खेल को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाओं का होना आवश्यक है। उसी क्रम में आपने देखा था पिछली बार यहाँ हॉकी टर्फ का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, अब ये हुआ है तो आप देखेंगे कि भविष्य में यहाँ पे कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन होगा। जब प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है तो बहुत से खिलाड़ी जो उभरते हुए खिलाड़ी होते हैं उसको देखते हैं, बहुत से स्टेट के खिलाड़ियों को अपने देख करके सीखते हैं, तो जिससे खेल का भी बढ़ावा होता है और जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको पुराने खिलाड़ियों को देख करके सीखते भी हैं। आज मुख्यमंत्री खुद इधर आए हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है, क्या आपसे कहा है और क्या उन्होंने आदेश दिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी खेल और खिलाड़ियों के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, और अभी पिछले महीनों खिलाड़ियों के लिए उन्होंने बहुत सी सौगातें दी थी, डाइट मनी बढ़ा दिया था, प्रतियोगिता में पैसे बढ़ा दिए, पद बढ़ा दिए, और कई और भी हमारे प्रोजेक्ट तैयार हैं जो विगत 3-4 वर्षों से चल रहे थे, अब वो धीरे धीरे प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को दिया जाए। Thank you.
जयंत हुए, उसके बाद भी कार्यक्रम हुए हैं, जन्म हुए हैं। ये सीएम साहब का काफिला और आप देख सकते हैं किस तरीके से आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही, स्टेडियम से बाहर निकलते हुए। अरे विवेक के तरह विवेक, और ये देख सकते हैं सीएम साहब ने बखूबी उद्घाटन के बाद में यहाँ से प्रस्थान ले लिया है और सभी बच्चे प्रसन्न हैं। अरे यार रुक जा रुक जा रुक जा, चलो लेट हो गए, मैं तुझे बार बार देख रहा था। दौड़ के आ जा आ जा आ जा, अरे विवेक बेटा सर चेहरा देखे सर का, घूमो घूमो एक तरफ घूमो घूमो, सारे बच्चे विक्ट्री कर दो, सर को शुभकामनाएं दे दीजिए सभी लोग। चल भी आइए आराम से, नहीं बहुत अच्छा हुआ पीछे से, और यहाँ पे सभी बच्चों ने बहुत अच्छे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और इसके बन जाने से आज खिलाड़ियों को जो मिला है, उम्मीद करता हूँ कि इसमें कम से कम 10-12 खेल अब निरंतर होते रहेंगे और खिलाड़ियों को उभरते हुए जो हमारे बच्चे हैं उनको लाभ मिलेगा। आदरणीय सर एक छोटा सा, सैकड़ों लोगों का सवाल है कि कैंप नहीं चल रहे और बच्चे जो आए वो उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेनिंग चालू हो गए हैं सब जी, अब सब कैंप चालू हो गए हैं, पिछले महीने से सभी कैंप शुरू हो गए। कब से शुरू हो रहे हैं सर? बहुत सारे नहीं शुरू हो गए कैंप पूरे उत्तर प्रदेश में सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, डायरेक्टर साहब ने बताया कैंप चालू हो चुके हैं और सीएम साहब ने भी शानदार बिल्डिंग का उद्घाटन किया है।